तक खबर का अध्ययन किया था कलेक्टर साहब ने, और उन्होंने आदेशित किया था कि कल ही इस पर कार्रवाई कर पूर्ण की जाए। तो मैं स्वयं जाकर और श्रीमान SDM साहब राहुल गुप्ता जी साथ गए, उन्होंने पूरी वहाँ स्थिति देखी और पूछा। तो वहाँ पे एक दो घर बने हुए टापू पे, उन घर वालों से पूछा तो उन्होंने ये कहा था कि हमने झांकी निकाली थी, इस वजह से हमने ये पुल लगाया है। चूँकि वहाँ उस पे से बच्चे भी निकलने लग गए थे, तो इसलिए SDM साहब ने तुरंत वहाँ निर्देश दिए। मैंने स्वयं उसको पुल को खोला रस्सी से, और फिर एक दो लोग और आ गए थे, तो उस पुल को विधिवत रूप से खोल के और उनसे बोला है कि आप लिखित में वहाँ आदमी वो दें अपना एप्लीकेशन, तो जिससे आगे कभी पुल भविष्य में कोई उनके लिए बच्चों को निकलने के लिए या रोड की समस्या सही हो सके। जैसे आपने बताया कि एक दो मकान बने हैं जी, आपने क्या टापू पर जाकर देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो उस पार है, नदी के उस पार था। जो घर वाले थे गोस्वामी जी मिले थे, कृष्णा गोस्वामी करके, उन्होंने हमें बताया। तो 25-30 मकान है जो, तो ये मैंने देखा नहीं है, चूंकि पुल का मामला था तो पुल कोई घटना ना घटे इसलिए हमने वो कच्चा लकड़ियों का पुल हटवा दिया। नहीं, तो वहाँ से एक रास्ता है, हो सकता है वो जान के मुख्य रास्ते से मिल सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान करेंगे आप? इसके लिए श्रीमान SDM साहब ने कहा है कि हम उसको देख कर उसको दुरुस्त करवाएंगे।